दोस्तों, यह दुनिया मिस्टीरियस चीजों से भरी पड़ी है, पर कुछ रहस्य ऐसे भी है जिनको समझ पाना संभव लगता है। आज मैं आपको एक ऐसी आश्चर्यजनक घटना के बारे में बताने जा रही हूँ जिसे जानकर आप हैरान हो जाओगे। यह रहस्य सेंटियागो एयरलाइंस के फ्लाइट नंबर 513 की, जो कि उड़ान भरते ही अचानक कहीं गायब हो जाता है। जी हाँ, साल 1954 में सेंटियागो एयरलाइंस के एक प्लेन ने वेस्ट जर्मनी के आकिन एयरपोर्ट से उड़ान भरी तो थी, मगर फ्लाइट कहीं लैंड ही नहीं हुई। यह बात है 4 दिसंबर 1954 की, जब 92 यात्रियों के साथ यह फ्लाइट लापता हो गई थी। उस फ्लाइट को उड़ान भरने के 18 घंटे बाद पोर्टो एलेग्री एयरपोर्ट पर लैंड करना था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। 87 यात्रियों से भरे विमान के गायब होने की खबर ने पूरी दुनिया में तहलका मचा दिया। पूरी दुनिया की जानी मानी एजेंसी फ्लाइट को खोजने में लग गई, लेकिन फ्लाइट का कहीं कुछ पता नहीं चला। यहाँ तक कि फ्लाइट का मलबा भी नहीं मिला। बताया जाता है कि जब विमान से संपर्क टूटा तब फ्लाइट अटलांटिक ओशियन के ऊपर उड़ान भर रहा था। लोगों ने मान लिया कि वह विमान अटलांटिक ओशियन में हादसे का शिकार हो गया और विमान में सवार सभी 92 लोगों की मौत हो गई। मगर इसके बाद की बातें और भी हैरान कर देने वाली थी। पूरे 35 साल बाद जर्मनी के एयरपोर्ट पर अचानक एक फ्लाइट बिना एयर ट्रैफिक कंट्रोल के इजाजत लिए ही लैंड करने लगी। यह देखकर एयरपोर्ट के अधिकारियों में हड़कंप मच गया और अधिकारियों ने जल्दी से उस रनवे को खाली करा दिया। थोड़ी देर में विमान ने रनवे पर लैंड किया। विमान के ऊपर सेंटियागो एयरलाइंस का नाम लिखा था और फ्लाइट का नंबर भी वही था जो 37 साल पहले अटलांटिक ओशियन के ऊपर से गायब हो गया था। यह देखकर एयरपोर्ट के सभी अधिकारी घबरा गए, क्योंकि वह एयरलाइंस हादसे के 2 साल बाद यानी साल 1956 में ही बंद हो गई थी। जब सिक्योरिटी टीम विमान के अंदर पहुंची तो सभी अंदर का नजारा देखकर कांप गए। पूरे विमान के अंदर कंकाल भरे हुए थे, हर कंकाल अपनी सीट पर ही था। यहां तक कि फ्लाइट के कैप्टन मिगुल विक्टर क्यूरी का कंकाल पायलट कंट्रोल को पकड़े हुए था और फ्लाइट का इंजन चालू था। डर के मारे सिक्योरिटी स्टाफ फ्लाइट से बाहर आ गए और तुरंत ही इसी खबर सरकार को दी। यह फ्लाइट काफी पुराना और मानो किसी दूसरी दुनिया से आया हुआ लग रहा था। कुछ लोग इस फ्लाइट को बुधा कहने लगे तो कुछ लोगों ने कहा कि यह टाइम ट्रेवल के जरिए संभव है। टाइम ट्रेवल को मानने वाले लोगों ने यह तक कह दिया कि विमान समय के भवन में फंस गया था, लेकिन लैंडिंग करने के कुछ समय बाद स्टाफ कुछ समझ पाते इससे पहले ही वो प्लेन फिर से उड़ान भरते हुए आसमान में कहीं गायब हो गया। इसके बाद दोबारा से विमान का कोई पता नहीं चला। लापता हुए फ्लाइट की खोज के लिए आज भी कई तरह की कोशिश की जा रही है। तब से यह घटना सब लोगों के लिए एक पहेली बनकर रह गई है। दोस्तों, आपको क्या लगता है, इस घटना के पीछे कोई अदृश्य शक्ति या यह टाइम ट्रेवल का केस था? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसी एक और मिस्टीरियस स्टोरी के साथ। जय हिंद, जय भारत।